हे गाइस, तो क्या हाल है। ये एक गेमिंग वीडियो नहीं होने वाला, ये एक तरह से ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। काफ़ी लोग मुझे लाइव स्ट्रीम पे कहते हैं कि भाई आप कैसे स्ट्रीम करते हो, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो स्ट्रीमिंग के लिए, तो ये वीडियो उस पर बेस्ड होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, कैसे स्ट्रीम करता हूँ, क्या आपको करना है, बेसिक सिंपल स्टेप्स आपका एक स्ट्रीमिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है OBS स्टूडियो। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर लेना। ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है, तो ज़्यादा आपके CPU पे या फिर ग्राफिक कार्ड पे असर भी नहीं डालता ये सॉफ्टवेयर। तो गाइज, ये है OBS स्टूडियो का इंटरफेस। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में, जब इसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर को तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो चलिए मैं अब आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले हमें बॉटम लेफ्ट में देखना है, बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन है सीन्स का। अब ये सीन्स का ऑप्शन किस काम आता है, ये मेन ऑप्शन है, इसी से आप अपना लाइव स्ट्रीम को कंट्रोल करोगे। तो यहाँ पे फॉर स्टार्टर्स आपको 3 सीन क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला सीन होगा स्ट्रीम स्टार्टिंग सून वाला, दूसरा सीन होगा जब आप लाइव जाओगे और तीसरा सीन होगा स्ट्रीम एंडिंग सून वाला। तो चलिए हम पहला सीन क्रिएट करते हैं, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, रीनेम करके इसको कर देते हैं स्ट्रीम स्टार्टिंग सून। ठीक है, ये पहला सीन क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें एक और सीन क्रिएट करना है लाइव वाला। चलिए अब हम लाइव वाला सीन क्रिएट कर लेते हैं। जब हम इस पर स्विच करेंगे तो वी आर लाइव, माई बैड। चलो अब हमने एक और सीन क्रिएट कर लिया, अब फाइनल सीन क्रिएट कर सकते हैं हम। चाहे तो आप कितने भी सीन क्रिएट कर लीजिए, आपकी मर्जी है, इंटरमिशन हो गया, ब्रेक वाला हो गया या कुछ भी हो गया, 8, 10, 15, 20 जितने भी सीन आपको क्रिएट करने आप कर सकते हो। फॉर स्टार्टर्स हम तीन सीन्स क्रिएट करेंगे, लाइव स्ट्रीम स्टार्टिंग सून और फाइनल है स्ट्रीम एंडिंग सून वाला, स्ट्रीम एंडिंग सून। तो ये हमने 3 सीन क्रिएट कर डाले। अब आपको क्या करना है, स्ट्रीम स्टार्टिंग सून के बगल में आपको सोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सोर्सेज में आपको कुछ भी ऐड कर सकते हो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून में। अब हम मीडिया सोर्स ऐड कर देते हैं, एक मीडिया सोर्स में हम डाल देते हैं स्टार्टिंग वीडियो या फिर म्यूज़िक, स्टार्टिंग वीडियो जो आप दिखाओगे। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को, ब्राउज पे कर लेते हैं, डेस्कटॉप, वेयर इज़ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गए, डॉक्स पे गए, जय देखिए स्ट्रीम स्टार्टिंग शॉर्टली, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसको हम लूप पे कर देंगे ताकि ये बंद ना हो जाए, 10 से 15 सेकंड की वीडियो होती है तो बंद हो जाएगी उसके बाद, इसलिए हमें इसको लूप पे करना पड़ेगा। लूप पे करने के बाद ओके, अब देखिए ये बन गया आपका पूरा पहला सीन। तो आपका कुछ इंटरफेस अब ऐसा दिखेगा, तो जब भी कोई नया व्यूवर आपकी स्ट्रीम ज्वाइन करेगा स्ट्रीम स्टार्टिंग सून वाले पे, तो उसको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है लाइव पे। अब हमने पहला सीन पूरा सेट कर लिया है, अब हमें अपनी स्ट्रीम को लाइव करना है। तो लाइव पे जाने के लिए हम लाइव पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से ब्लैक आ रहा है, क्योंकि हमने कोई सोर्स एनेबल नहीं कर रखा, सेलेक्ट नहीं कर रखा था, इसलिए ब्लैक दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से ये प्लस वाले मार्कर पे जाना है, प्लस करना है और डिस्प्ले कैप्चर एनेबल करना है। डिस्प्ले कैप्चर मतलब जो भी आपके डिस्प्ले पे चल रहा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, तो हमें करना है ओके। अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन भी आ सकता है, मेरे पास दो मॉनिटर हैं, तो मेरे पास दो मॉनिटर हैं इसलिए मुझे दो दिखा रहा है, इसलिए मैं ये वाला मॉनिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देंगे और इस तरीके का इंटरफेस अब आपके व्यूवर्स को दिखाएगा, आपको दिखाएगा। तो ये हो गया डिस्प्ले कैप्चर। अब यहाँ पर आप कुछ भी गेम खेलेंगे तो उसकी क्या कहते हैं वीडियो लाइव दिखाई जाएगी आपके व्यूवर्स को, वो सब यहाँ पे अब कैप्चर होगा। अगर आपको कोई गेम कैप्चर करना है, लेट्स से अगर आप पूरी डिस्प्ले कैप्चर नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो ये सब देखें, ये देखें या फिर ये नीचे विंडोज़ का कुछ आइकन्स या कुछ आए ऐसा, आप चाहते हैं कि एकदम क्लीन सेटअप रहे, तो आप यहाँ पे गेम कैप्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो। गेम कैप्चर एनेबल ऐसे ओके करके आपको फिर जाना पड़ेगा स्पेसिफिक विंडो पे, कैप्चर स्पेसिफिक विंडो, और उसके बाद यहाँ पे आपका गेम दिखा देगा। अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने कोई गेम बैकग्राउंड में खोल नहीं रखा है, आपको एक गेम खोलना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो यहाँ पर दिखा देगा, आप सिलेक्ट करो, ओके करो और आपका गेम कैप्चर एनेबल हो जाएगा। अब आपको लेट से डिस्प्ले कैप्चर ये बंद करना है, आप नहीं चाहते दिखाना, तो आप यहाँ से ये आँख बनी हुई है छोटी सी, इस पर क्लिक कर दीजिए, ब्लैक आउट हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा,
वापस इनेबल हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये सीन मेरे को ऊपर करना है, इससे ऊपर करना है, गेम कैप्चर से ऊपर करना है, तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर आप चाहें इसको लॉक भी कर सकते हैं, फिर आप ये ड्रैग नहीं कर सकते, ये लॉक हो जाएगा एक जगह पर सीन। जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तब आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये था सिंपल इजी मेथड क्या करना है, कैसे कैप्चर करनी है अपने डिस्प्ले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्ट्रीम एंडिंग सून पे। जब आपको स्ट्रीम एंड करना है तब आप इस पर क्लिक करेंगे स्ट्रीम एंडिंग सून वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि आपके व्यूवर्स को ब्लैक स्क्रीन ना दिखे। तो फिर से हम प्लस पे जाएंगे, हम मीडिया सोर्स एनेबल ऐड करेंगे और फिर से मैं ब्राउज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये ऐड कर देता हूँ, ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको भी लूप पर डाल देंगे। ओके करते हैं। अब यहाँ पर आ गया स्ट्रीम एंडिंग सून। तो मैं एक बार फाइनली दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा आपके व्यूवर्स को। जब आप स्ट्रीम स्टार्टिंग सून पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। जब आपको लाइव जाना होगा तो आप लाइव पे जाकर कुछ जो भी मर्जी आप दिखाना चाहते हो, आप लेट्स से वेबकैम ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर कुछ भी ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये सारे प्ले करने के लिए आप कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्रीम एंडिंग सून, बस। तो ये है एक तरह से स्ट्रीमिंग करने का छोटा सा क्विक मेथड। बट ये तो था बेसिक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है ऑडियो मिक्सर। अब ये डेस्कटॉप ऑडियो जो है, डेस्कटॉप ऑडियो का मतलब होता है जो भी आपकी स्क्रीन पे, जो भी आपके लेट्स से आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसकी जो गेम की आवाज़ है, अगर आपने ये म्यूट कर रखा है तो नहीं आएगी, आपको ये एनेबल करना पड़ेगा। फिर आप कुछ भी बजाइए यहाँ पर, वो यहाँ पे बजेगा, यहाँ पे आवाज़ आएगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक MP3 प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे जैसे गाना बज रहा है, जैसे जैसे गाना बज रहा है मेरे डेस्कटॉप में, यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है साफ साफ। अब मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ चाहूँ तो, ये बंद हो गई है ऑडियो। बैकग्राउंड में गाना अभी भी चल रहा है, सी बैकग्राउंड में गाना चल रहा है लेकिन यहाँ पे म्यूट हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो वापस इसको अनेबल कर सकता हूँ, सी। तो ये होता है डेस्कटॉप ऑडियो कैप्चर करना। तो इसको क्लोज करते हैं। अब आपको अपनी ऑडियो भी कैप्चर करनी है, अपना माइक से ऑडियो, अपनी आवाज़ कैप्चर करनी है, साथ में आप कमेंट्री दे सकें स्ट्रीमिंग करते करते। तो उसके लिए आपको ये माइक ऑक्स वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। इसमें नीचे गियर वाला आइकन है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से माइक हैं। लेट्स से अगर आपके पास वेबकैम है तो वेबकैम में भी एक छोटा सा माइक लगा होता है, आप उसका माइक यूज़ करके भी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक लगा हुआ है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे USB ये ऑडियो टेक्निका ATR 2500 माइक मैंने लगा रखा है एक्सटर्नल, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारे दिखा देगा आपको ऑप्शंस कि कौन कौन से आपके माइक हैं। मेरे पास टोटल 3 माइक्स हैं मेरे PC में, तो ये तीनों के तीनों दिखा रहा है। मैं इसको ATR वाले पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। तो जैसा कि आपने देखा वहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा ऑडियो इंटरफेस, ये रहा आपके सोर्सेज और ये रहे आपके सीन्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब क्या करना है, अब आप लाइव जाने के लिए फुल्ली रेडी हो। अब लाइव जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव जाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स फिक्स करनी पड़ेंगी अपने OBS स्टूडियो में, अपने हिसाब से, अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के हिसाब से, अपने इंटरनेट के हिसाब से आपको कुछ सेटिंग्स फिक्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप लाइव जा सकते हो। अगर आप ऐसे लाइव चला जाओगे तो स्ट्रीमिंग की क्वालिटी या फिर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ टॉप में फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके ये जनरल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप थीम चेंज करना चाहते हो, लेट्स से आप डार्क थीम करना चाहते हो, तो ये डार्क थीम हो जाएगी। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, 3-4 थीम्स दे रखी हैं इन्होंने, बट मैं वाइट वाली थीम लगा देता हूँ फॉर नाउ। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे जाना है, मेन काम सारा यहीं से होगा। अगर आपको लेट्स से फेसबुक पे लाइव करना है तो आप फेसबुक पे लाइव जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ये देखिए मिक्सर, ट्विच, यूट्यूब। हमें यूट्यूब पे लाइव करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूट्यूब गेमिंग। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, इंजस सर्वर ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये जो की है यहाँ पे आपको स्ट्रीम की डालनी पड़ेगी, स्ट्रीम की आपको मिलेगी आपके YouTube क्रिएटर स्टूडियो से, वो आपके YouTube अकाउंट में आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में। तो वहाँ से आपको वो की उठानी है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। ध्यान रहे कि वो की आप किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर आपने वो की किसी और को बता दी तो उस की से दूसरा बंदा आपके चैनल से स्ट्रीम कर सकता है। तो प्लीज़ ये की किसी को मत बताएं, ये बहुत ही एक तरह से आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो ये की आपको इजीली आपके YouTube सेटिंग्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि कैसे ढूंढनी है वो की, तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल बना सकता हूँ, आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है आउटपुट।
आउटपुट में आपको एडवांस सिलेक्ट करना है, शायद से आपको सिंपल मोड दिखाए ऐसा। सबसे पहले आपको एडवांस पे जाना है। एडवांस में आएगा पहला टैब स्ट्रीमिंग का। स्ट्रीमिंग में मैंने NVEX सिलेक्ट कर रखा है, क्यों? क्योंकि मैं जो अपनी स्ट्रीमिंग करता हूँ वो मेरी स्ट्रीम होती है मेरे ग्राफिक कार्ड से। काफ़ी लोग प्रोसेसर से भी स्ट्रीम करते हैं जिनके हाई एंड प्रोसेसर हैं, लेट्स से इंटेल i9 या फिर एकदम तगड़े वाले प्रोसेसर हैं AMD के, तो आप उससे भी स्ट्रीम कर सकते हो चाहो तो। उसके लिए आपको फिर ये 264 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट मैं ग्राफिक कार्ड से सिलेक्ट करता हूँ, ग्राफिक कार्ड से स्ट्रीम करता हूँ, तो आपको NVENC सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप भी अगर ग्राफिक कार्ड से करना चाहते हैं तो NVENC सिलेक्ट कीजिए। CBR को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। बिटरेट आप चेंज कर सकते हैं अपने इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। मैं ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं जाने वाला, तो मेरे इंटरनेट की स्पीड है 70 Mbps अपलोड, 70 Mbps डाउनलोड। इसमें डाउनलोड स्पीड आपकी 1000, 2000, 3000 कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो अपलोड स्पीड है उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड, आपकी अपलोड स्पीड अगर कम है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे आपको बिटरेट भी कम डालना पड़ेगा। मेरी 70 Mbps अपलोड स्पीड है, तो मैं यहाँ पे आराम से 5 से 10 हज़ार का बिटरेट डाल सकता हूँ। अगर आपकी लेट्स से 2 से लेके 10 Mbps के बीच में, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको 2000 से 2500 के बीच का बिटरेट डालिए, इससे ऊपर मत डालना। बाकी आप टेस्ट कर सकते हो अपनी स्पीड, बाकी सब ऐसे इट इज़ छोड़ देना है, कुछ सेटिंग्स में चेंज नहीं करना। उसके बाद बढ़ते हैं ऑडियो पे। ऑडियो में भी हमें कुछ यहाँ पे इतना चेंज नहीं करना, आप वहाँ से नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हो ऑडियो ऑप्शंस। वीडियो में चलते हैं। वीडियो में यहाँ पे आपको दिखाएगा 1080p। अगर आपका मॉनिटर 1080p है तो 1080p दिखाएगा, इससे ऊपर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये आपका बेस रेजोल्यूशन है। मेरे जो दोनों मॉनिटर हैं वो 1080p हैं, इसलिए मेरे को 1080p ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मेरा मॉनिटर 2K होता या 4K होता तो यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन आ जाता। अब आपको आउटपुट स्केल सिलेक्ट करना है। आउटपुट स्केल होता है आपकी जो स्ट्रीम है वो आप 720p में लाइव करना चाहते हो, 1080p में लाइव करना चाहते हो, कितने पे करना चाहते हो। तो जितना आपके मॉनिटर का रेजोल्यूशन है आप उतने तक ही स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आपके मॉनिटर का रेजोल्यूशन लेट्स से 1080p है और आप स्ट्रीम करना चाहते हो 2K पे 4K पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपकी लिमिट हो जाएगी, आपकी 1080p तक ही लिमिट रह जाएगी। आप उससे नीचे स्ट्रीम कर सकते हो, 720p पे आप स्ट्रीम कर सकते हो, बट इससे ऊपर नहीं कर सकते, मतलब 1080p से ऊपर नहीं कर सकते, या जो भी आपका रेजोल्यूशन है मॉनिटर का उससे ऊपर आप स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो मैं 1080p सिलेक्ट करता हूँ। लैंक्रोज में 36 सैंपल्स रखता हूँ, 60 FPS रखते हैं, आपकी मर्जी। आप 60 रखना चाहते हो, 30 FPS रखना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज आपका इंटरनेट स्पीड। आगे आपको कुछ नहीं करना है, हॉटकीज़ और ये सब अलग चीज़ें हैं, इस पर आपको ध्यान अभी नहीं देना है फॉर बिगनर्स। और आपको अप्लाई करना है, ओके करना है और ऑल सेट। अब आप सब सेट हो चुके हो, अब आपको सिर्फ लाइव जाना है। यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग वाला बटन लगा हुआ है, आपको क्लिक करना है और आप लाइव हो जाओगे। जैसे ही लाइव हो जाओगे, जो भी आपने यहाँ पे सीन सिलेक्ट कर रखा होगा वो वाला सीन आपका लाइव हो जाएगा। तो मेक श्योर स्ट्रीम स्टार्टिंग सून पे आपने क्लिक कर रखा हो, ना कि आपने लाइव पे क्लिक कर रखा हो, वरना सब कुछ देखना शुरू हो जाएगा जो कि आप नहीं चाहते। तो पहले ये वाला सीन सिलेक्ट कर लीजिए, देन स्टार्ट स्ट्रीमिंग एंड यू आर गुड टू गो। तो आई होप गाइस आपको पसंद आई हो ये वीडियो, कुछ जानने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं और वीडियो बना दूंगा ऐसी। आई होप कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव स्ट्रीम पे। टिल देन आपका स्कल भाई अभी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।